So the next is a pathogenesis of syphilis. So what is the pathogenesis of syphilis? Most cases are contracted during a sexual intercourse. The Treponema pallidum are present in a superficial genital lesions and pass from one partner to another through intact mucous membrane or through skin abrasions. ठीक है, इसकी जो pathogenesis है इसमें क्या बताया है, ये जो most cases of contracted during a sexual intercourse, ये जो syphilis है ये transmitted होता है, या फिर most of the उसके cases ये sexual intercourse से transmit होते हैं. ठीक है, देन ये जो Treponema pallidum बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट रहता है इन सुपरफेशियल जेनेटल लेशंस में. ठीक है, सुपरफेशियल जेनेटल लेशंस में ये प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया एंड पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन और थ्रू स्किन एब्रेशंस. ठीक है, तो ये अगर अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन रहा, अगर उसके साथ एक यानी कि हेल्दी पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं भी किया तभी भी उसको ये डिसीज हो सकता है. तो कैसे ये सुपरफेशियल जेनेटल लेशंस है एंड विच इज़ अ पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन और थ्रू अ स्किन एब्रेशंस. ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से और स्किन एब्रेशन से ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास होता है. ठीक है, देन ऑकेजनली द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज अ एक्स्ट्रा जेनेटल, दैट इज द माउथ, हैंड्स एक्सेट्रा. ऑकेजनली का क्या होता है, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ये एक्स्ट्रा जेनेटल होता है, दैट इज द माउथ से भी स्प्रेड हो सकता है या फिर हैंड से भी स्प्रेड हो सकता है. ठीक है, देन द ऑर्गेनिज्म डाइज वेरी रैपिडली आउटसाइड द बॉडी. इट डाइज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वेन ड्राइड और विथ इन एन हवर वेन केप्ड मॉइस्ट. ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये रैपिडली यानी कि रैपिडली आउटसाइड द बॉडी में डाइज हो जाता है. ये डाइज होता है मोस्ट इंस्टेंटली व्हेन ड्राइड और विथ इन एन हवर व्हेन केप्ड मॉइस्ट. ठीक है, आफ्टर एंटरिंग, ये हो गई हमारी पैथोजेनेसिस. ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ सिफेलिस. पैथोजेनेसिस ऑफ सिफेलिस में क्या बताया हमने कि जे मोस्ट ऑफ दी सिफेलिस केसेस में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन. बट ये जो Treponema pallidum बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट रहता है जेनेटल लेशंस में. ठीक है, वो पास करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन एब्रेशंस. ठीक है, दे ये हो गई हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ सिफेलिस. नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिफेलिस. इसमें फोर स्टेजेस आते हैं सिफेलिस में, तो फर्स्ट स्टेज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेज इज आफ्टर एंटरिंग द न्यू होस्ट ऑर्गेनिज्म बींग्स टू मल्टीप्लाई एट अ साइट ऑफ एंट्रेंस. ठीक है, जब ये जो Treponema pallidum बैक्टीरिया है अगर ये एंटर हो जाएगा न्यू होस्ट में तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एट द साइट ऑफ एंट्रेंस. जहाँ से वो एंटर हुआ बैक्टीरिया वहाँ पर वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, द जनरेशन टाइम इज लेस देन 5 आवर्स. ये जो जनरेशन टाइम है वो लेस देन 5 आवर का, 5 आवर्स के बिलो ही वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगा. ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 to 90 डेज द इनिशियल सोर ऑफ प्राइमरी सिफेलिस अपीयर्स. ठीक है, आफ्टर उसका एंटरिंग होने के बाद उसका जनरेशन टाइम है लेस देन 5 आवर्स. ठीक है, देन ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 to 90 डेज द इनिशियल सोर ऑफ प्राइमरी सिफेलिस अपीयर्स. ड्यूरिंग द 10 to 19 डेज के आफ्टर वो फर्स्ट यानी कि इनिशियल सोर यानी इनिशियल सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा इन प्राइमरी सिफेलिस में. ठीक है, द साइट शोज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विथ अ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स फॉर्मिंग अ स्मॉल रेड पैपिल्स. जब उसका यानी कि प्राइमरी स्टेज होता है सिफेलिस जनरेशन का तो कितना रहता है उसका ड्यूरेशन 10 to 90 डेज में वो इनिशियल सोर डेवलप करता है. देन उसके बाद वो जो साइट है वो शोज करती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विथ अ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट फॉर्मिंग अ स्मॉल रेड पैपुल. क्या फॉर्म करता है, स्मॉल रेड पैपुल वो
प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है विथ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल रेड पैपुल प्रोड्यूस करता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन में. ये देन द लेशंस इज यूजुअली सॉलिटरी एंड ग्रेजुअली इनलार्ज. देन जो ये जो लेशंस होते हैं वो यूजुअली सॉलिटरी होते हैं एंड ग्रेजुअली इनलार्ज होते हैं. इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ सुपरफिशियल अल्सर ऑफ अबाउट वन और टू सेंटीमीटर इन अ डायमीटर. देन ये ब्रेक्स डाउन होते हैं एंड फॉर्म करते हैं सुपरफेशियल अल्सर ऑफ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर होती है. ये जो रेड फर्स्टली सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस किया, 10 to 19 डेज में इनिशियल सोर होगा, ठीक है. देन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में एंड वो फॉर्म करेगा स्मॉल रेड पैपुल, ठीक है. स्मॉल रेड पैपुल वो डेवलप करेगा, देन उसके बाद वो ब्रेक डाउन होगा एंड फॉर्म करेगा सुपरफेशियल अल्सर ऑफ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर. 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर का वो अल्सर फॉर्म करेगा. देन उसके बाद इट इज़ टर्म एज अ प्राइमरी सोर, इसको ही हम बोलते हैं प्राइमरी सोर, ठीक है. देन इन मेल इट इज़ अ सिचुएटेड ऑन द पेनिस एंड इन अ फीमेल इट इज लोकेटेड ऑन द लैबिला वजाइनल वॉल और द सर्विक्स, ठीक है. इन मेल में वो ये जो प्राइमरी सोर डेवलप होगा वो मेल में कहाँ पर होगा, पेनिस में, और फीमेल में लोकेटेड इन अ लैबिया वजाइनल वॉल और सर्विक्स में ये डेवलप होगा, ठीक है. ये हो गई हमारी प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस, ठीक है. देन द जनरलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी कंटिन्यू फॉर 2 to 12 वीक्स आफ्टर दिस एन अनट्रीटेड केस इज लेफ्ट विथ अ स्मॉल स्कार एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है. जनरलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन इन बॉडी कंटिन्यू फॉर 2 to 12 वीक्स में हम इन्फेक्शन जनरलाइज करते हैं. आफ्टर दिस अनट्रीटेड, अगर ये इस दौरान अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो इन ट्रीटेड केसेस में क्या होता है, लेफ्ट विथ अ स्मॉल स्कार एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है. ये हो गई हमारी प्राइमरी स्टेज. नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी स्टेज. इट इन्वॉल्व्स इन्वेशन ऑफ अ ब्लड स्ट्रीम. फर्स्ट स्टेज में क्या था, एक स्टार्टिंग में इन्फ्लामेटरी रेड पैपुल आ गया, देन उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो गया और फॉर्म किया सुपरफेशियल अल्सर विच इज़ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. देन इसको ही बोलते हैं हम प्राइमरी सोर, ठीक है. अगर ये प्राइमरी सोर हमने ट्रीट नहीं किया तो वो हो जाएगा सेकेंडरी स्टेज में. प्राइमरी स्टेज अगर हमने क्योर नहीं की, ट्रीट नहीं की, तो वो चली जाएगी सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है. तो ये सेकेंडरी स्टेज में क्या करता है, वो इन्वॉल्व करता है इन्वेशन ऑफ ब्लड स्ट्रीम. ये जो इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा. देन उसके बाद द स्ट्रीकिंग मैनिफेस्टेशन आर वाइड स्प्रेड रोसेलर और पैपुलर रैशेस. इसमें क्या होगा, स्ट्रीकिंग मैनिफेस्टेशन एंड वाइड स्प्रेड रोसेलर और अ पैपुलर रैशेस, ठीक है. स्नेल ट्रैक अल्सर इन द ओरोफेरिंग्स, इलिवेटेड लेशंस ऑफ एनस एंड वॉल्व आर अदर प्रोमिनेंट लेशंस. सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, अगर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रीकिंग मैनिफेस्टेशन एंड आर वाइड स्प्रेड रोसेलर और पैपुलर रैशेस प्रोड्यूस करेगा. देन स्नेल ट्रैक अल्सर प्रोड्यूस करेगा इन ओरोफेरिंग्स. देन इलिवेटेड लेशंस ऑफ एनस, इलिवेटेड लेशंस प्रोड्यूस करेगा एनस में, वॉल में, एंड अदर प्रोमिनेंट लेशंस आर प्रोड्यूस इन अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस, ठीक है. देन ऑल लेशंस ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस इन्वॉल्विंग म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन एक्सपोज सर्फेसेस डिस्चार्ज वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रिपोनेमास. देन सेकेंडरी सिफिलिटिस लेशंस में रिमेन इन्फेक्टिव फॉर अ 4 to 5 ईयर्स, ठीक है. ये जो सेकेंडरी सिफिलिस है इसमें जो ऑल लेशंस है वो इन्वॉल्व करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, देन एक्सपोज सरफेस डिस्चार्ज वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रिपोनेमास, ठीक है. म्यूकस मेम्ब्रेन में वो डेवलप करते हैं, देन जो वो एक्सपोज करते हैं ऑन अ सरफेस डिस्चार्ज वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है.
and the secondary syphilitis lesions may remain infective for 4 to 5 years. जो ये जो secondary syphilitis lesions है वो infective रहते हैं, यानी कि वो infection produce नहीं कर सकता 1% to another person for 4 to 5 years के लिए. But once healed, the patient is not dangerous. But जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो वो ये जो 4 to 5 years तक सेकेंडरी सिफालिस है वो इन्फेक्टिव रहेगी, यानी कि वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा. बट वंस हील द पेशेंट इज़ नॉट डेंजरस. बट इसके बाद अगर सेकेंडरी स्टेज में वो पेशेंट हील हो गया, वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तो ऐसे पेशेंट डेंजरस नहीं रहते, यानी कि 1% टू अनदर पर्सन वो ये डिसीज ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. The infective organism are probably destroyed by a lytic process involving a complement and special antibody. ये जो infective organism है वो probably destroy होते हैं by a lytic process. लैक्टिक प्रोसेस से ये ऑर्गेनिज्म probably destroy होते हैं involving a complement and specific antibodies. ये हो गई हमारी secondary stage of syphilis. Now after the secondary stage one may observe the stage of latent syphilis. ठीक है. इसके बाद ये secondary stage होने के बाद हम move करेंगे latent syphilis, that is the third stage of syphilis. During this period focal infection of may be dormant and untreated undetected in the tissue. After the second stage, यानी कि second stage होने के बाद वो observe करते हैं third stage, that is the latent syphilis. Then इस period में क्या होता है, जो focal infection होता है may be dormant and undetected in the tissues. ये undetected होता है. ठीक है. Dormant होता है और उसको हम detect नहीं कर पाते. ठीक है. In this tertiary stage, the late manifestation take the form of chronic granulomata known as a gramata. ठीक है. ये जो third stage है, that is the latent syphilis. यहाँ पर क्या होता है, ये जो undetected होता है इन टिश्यू में. And in this tertiary stage, the manifestation takes the form of chronic granulomata known as a gumata. ठीक है. वो infection यानी कि spread करता है chronic granulomata में. ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम gumata. ठीक है. Damage to the cardiovascular system with a destruction of elastic tissue and formation of aneurysms in a large arteries. ठीक है. इसमें क्या होता है, यानी कि क्रोनिक ग्रैनुलोमेटा में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, वो क्या करता है, डैमेज कर देता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को. ठीक है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरी तरह से वो डैमेज करता है विथ डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ एनुलोरिमस इन द लार्ज आर्टरीज. ठीक है. इलास्टिक टिश्यू का वो डिस्ट्रक्शन करता है एंड फॉर्मेशन करता है एन्यूरिमस इन अ लार्ज आर्टरीज में. ये जो गुमाटा है, इन अ ब्रेन बोन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन आर सम ऑफ प्रिंसिपल इफेक्ट्स. ठीक है. ये जो गुमाटा है यानी कि क्रोनिक ग्रैनुलोमेटा, वो क्या करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है इन अ ब्रेन में, बोन में, स्किन में एंड इंटरनल ऑर्गन्स. Then some of the principal effects. These lesions of a tertiary syphilis contain a few infective organism and the extensive tissue damage is because of delayed hypersensitivity reaction. ठीक है. These lesions जो है tertiary syphilis के, वो contain करते हैं few infective organism and extensive tissue damage. इज बिकॉज ऑफ, यानी कि इंटेंसिव ऑर्गेनिज्म और एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज क्यों होते हैं, फॉर द डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन उसकी डिले हो जाती है, इसकी वजह से वो एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज करते हैं. देन द ऑर्गेनिज्म कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड द इन्फेक्शन मे रीच द फिटस. ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल बैरियर एंड प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्शन टू द
फिटस. ठीक है. द इम्पॉर्टेंट कॉन्जेनिटल डिफेक्ट आर मेंटल डिफिशियंसी, क्रोनिक मेनिंगिटिस, ब्लाइंडनेस एंड डीपनेस. ये जो इम्पॉर्टेंट कॉन्जेनिटल डिसीज है, यानी कि डिफेक्ट है, कॉन्जेनिटल डिसीज यानी क्या, मदर टू फिटस से जो फिटस को जो सिफैलिस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिफेक्ट. ठीक है. तो ये होता है मेंटल डिफिशियंसी, यानी कि जो फिटस होता है वो मेंटली ये क्या होगा, मेंटली इम्बैलेंस रहेगा, या फिर क्रोनिक मीनिंगिटिस उसको होगी, या फिर ब्लाइंडनेस एंड डिफनेस प्रोड्यूस होगी. ठीक है. ये होगा हमारा टर्शरी सिफैलिस, दैट इज द लेटेंट सिफैलिस. लेटेंट सिफैलिस में क्या देखा हमने, वो ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व होता है. सॉरी, लेटेंट सिफैलिस में क्या देखा हमने कि वो फॉर्म करता है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटा नोन एज अ ग्यूमेटा, एंड वो डैमेज करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, एंड वो ग्यूमेटा प्रोड्यूस करता है ब्रेन, बोन, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी में. देन वो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्रॉस करते हैं थर्ड स्टेज में, लैटेंट स्टेज में ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करते हैं और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं फिटस में, यानी कि फिटस में भी वो सिफैलिस चला जाता है. ठीक है. उसमें भी सिम्टम्स पाए जाते हैं. ये जो फिटस है तो वो मेंटली डिफिशेंसी, मेंटल डिफिशेंसी रहेगी, डिफेक्ट रहेगा मेंटली में, यानी या फिर उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी. देन क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो जाएगा, या फिर ब्लाइंडनेस एंड डिफनेस भी उसको प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है. देन वी डिस्कस द लेबोरेटरी टेस्ट. फॉलोइंग रूटीन सेरोलॉजिकल टेस्ट आर सजेस्टिव ऑफ सिफैलिस. थ्री टेस्ट है फॉर अ डिटेक्शन ऑफ सिफैलिस. तो फर्स्ट इज अ VDRL स्लाइड टेस्ट, अ स्क्रीनिंग ऑफ फ्लॉक्युलेशन टेस्ट. VDRL स्लाइड टेस्ट में हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ फ्लॉक्युलेशन टेस्ट. देन नेक्स्ट इज अ ट्रिपोनेमा हीमोग्लूटिनेशन एंटीबॉडी टेस्ट. ट्रिपोनेमा हीमोग्लूटिनेशन एंटीबॉडी टेस्ट हम कर सकते हैं. देन थर्ड इज अ एब्सोफ्लुरोसेंट ट्रिपोनेमा एंटीबॉडी टेस्ट. नेक्स्ट इज अ एब्सोफ्लुरोसेंट ट्रिपोनेमा एंटीबॉडी टेस्ट. तो कौन सी हम लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज अ VDRL स्लाइड टेस्ट, दैट इज द स्क्रीनिंग फ्लॉक्युलेशन टेस्ट. देन सेकंड इज अ ट्रिपोनेमा हीमोग्लूटिनेशन एंटीबॉडी टेस्ट. एंड थर्ड इज अ एब्सोफ्लुरोसेंट ट्रिपोन्यूरल एंटीबॉडी टेस्ट. नाउ वी डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ सिफैलिस. ठीक है. तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे, पेनिसिलिन इज अ लीथल टू ट्रिपोनेमास इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.03 यूनिट पर ml एंड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है. पेनिसिलिन ट्रीटमेंट के तौर पर हम पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हम ट्रिपोनेमा पैलिडम इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम उसका कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए 0.003 यूनिट पर ml. पर ml में उसका 0.003 यूनिट पेनिसिलिन रहना चाहिए. देन इन अर्ली स्लीप सिफैलिस द पेनिसिलिन ब्लड लेवल नीड टू बी मेंटेन फॉर 2 वीक्स एंड इन लेट सिफैलिस फॉर 4 to 6 वीक्स. अर्ली स्टेज के सिफैलिस में पेनिसिलिन ब्लड लेवल मेंटेन करनी चाहिए फॉर 2 वीक्स के लिए, एंड इन लेट सिफैलिस में 4 to 6 वीक के लिए हमें पेनिसिलिन ब्लड लेवल मेंटेन करनी चाहिए. अदर एंटीबायोटिक्स आर ऑकेजनली यूज. देन प्रोलॉन्ग फॉलो अप इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट. इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमें प्रोलॉन्ग फॉलो अप लेना चाहिए डॉक्टर का, और जो अदर एंटीबायोटिक्स है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इन अ पेनिसिलिन, यानी इन अ ट्रीटमेंट ऑफ सिफैलिस में. ठीक है. देन उसके कॉशन क्या है, सिफैलिस हैज़ अ ऑकेजनली बीन ट्रांसमिटेड इन अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्रेश ब्लड. हमने देखा है कि सिफैलिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है. ठीक है. वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से वो ट्रांसमिट हो सकता है, बट ऑकेजनली में वो ट्रांसमिट हो सकता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्रेश ब्लड में. ठीक है. फ्रेश ब्लड अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये डिसीज स्प्रेड हो सकता है. ठीक है.
storage of collected blood at 0 to 4 degree Celsius kills the spirochetes within 1 to 2 days. ठीक है, अगर ब्लड हम ब्लड कलेक्टिव जो ब्लड रहता है वो स्टोर करते हैं हम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस में. ठीक है, तो वो जो 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस में हम ब्लड कलेक्ट यानी कि स्टोर करते हैं उसके दौरान वो किल्स करते हैं स्पोरोचिट्स किल करते हैं विद इन 1 to 2 डेज में. ठीक है, देन द प्राइमरी सिफिलिस इन अ मेल इन अ फाउंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ होमोसेक्सुअल. प्राइमरी जो सिफिलिस होते हैं इन अ मेल में वो फाउंड होते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ होमोसेक्सुअल. होमोसेक्सुअल में ये प्राइमरी सिफिलिस फाउंड होते हैं इन अ मेल में. ये हो गई हमारी कॉशंस. कॉशंस में क्या बताया है कि ये जो सिफिलिस है वो ऑकेजनली ट्रांसमिट होता है बाय द फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन से. ठीक है, अगर हमने ब्लड कैसे हम स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, कलेक्टेड जो ब्लड होता है वो स्टोर करते हैं हम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में. इसके दौरान वो किल करता है स्पोरोचिट्स विद इन 1 to 2 डेज में. ठीक है, तो ये जो स्टोरेज वाला ब्लड रहता है वो हम वो स्प्रेड नहीं करता ये डिसीज़. वो फ्रेशली ब्लड ट्रांसमिट अगर हो रहा है तो वो डिसीज़ स्प्रेड कर सकता है. ठीक है, और जो प्राइमरी सिफिलिस होते हैं इन मेल में वो फाउंड होते हैं मोस्टली फ्रिक्वेंट इन होमोसेक्सुअल. होमोसेक्सुअल जब होता है तो वो प्राइमरी सिफिलिस इन मेल में वो ज़्यादातर पाए जाते हैं. ये हो गया हमारा सिफिलिस. तो क्या क्या देखा हमने सिफिलिस में. सिफिलिस कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और वो कॉज होता है बाय द ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से. ठीक है, और उसके थ्री स्टेजेस से, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, दैट इज द लैटेंट सिफिलिस स्टेज. ठीक है, ये हो गया हमारा सिफिलिस. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट डिसीज इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द गोनोरिया. थैंक यू.